कुछ भी हो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। और ये किया भी, यहाँ पर लगभग 70% आदमियों को ये पता है कि मैंने पूरे करनाल में एक भी आदमी आके ये बता दे कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उसे सिलेंडर की जरूरत पड़ी, उसे डॉक्टर या पैसे की जरूरत पड़ी और मैंने उसका साथ ना दिया तो मैं चुनाव ना लड़ू। और या एक भी आदमी आके बता दे कि किसी दूसरे उम्मीदवार ने उस टाइम तो दूसरे लड़ लेगा। लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी उम्मीदवार किसी के साथ ना पाया ना मिला। मैं रात को 12-1-2 बजे घर पर नहीं सोया और मदद के लिए सभी की क्षेत्र के जितने डॉक्टर हैं वे बता देंगे, उनको भी नहीं सोने दिया। उससे पहले चलते हैं, जब नोटबंदी हुई तो बैंक पर भीड़ लगी, लाइन लगी, लेकिन उस समय भी नवंबर दिसंबर का और नवंबर का महीना था, शादी ब्याह का माहौल था, लोगों को बहुत जरूरत पड़ी पैसों की, लेकिन पैसे नहीं मिले। बैंक ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था, पैसे तो मिल रहे थे लेकिन ब्लैक मार्केटिंग में। तब भी अगर मेरे पास कोई भी आया तो मैंने उनसे विड्रॉल यहाँ करवाया अपने गेम में, गाँव में बता देंगे यहाँ विड्रॉल भरवा के अगले दिन यही पेमेंट करवाया बैंक से। लेकिन समस्या भी सुनी, अगर उन्हें जायज समस्या है तो उनका पेमेंट होगा, अन्यथा उन्हें भी ब्लैक मार्केटिंग करनी हो तो मैं नहीं करा सकता, क्योंकि अगर हम भी ऐसा कराते तो जिसे जरूरत है उसे पैसे कहाँ से मिलते। हमने जरूरतमंदों को पैसे दिलवाए, कोरोना में भी काम किया। उसके बाद अभी 27 मार्च को चौथा आंखों का कैंप यहीं पे लगेगा, इससे पहले 3 आंखों के कैंप भी लगवाए हैं, डोनेशन भी दिए हैं। और मैं ये कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ इसी मत से, अगर कोई विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, एक मिनट, हमारे बीच में जिले के कप्तान, जिला अध्यक्ष जी पहुंच चुके हैं, उनका भी हम दिल की गहराई से नंदन और स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष मोहित आनंद जी जी, तो मैं कह रहा था अगर किसी को भी तीनों प्रकार में से कोई भी पेंशन ना मिल रही हो ना आ रही हो तो वो मेरे पास आ जाए, ये हमारा वादा है। अगले महीने से उसकी पेंशन भी चालू होगी। तो अभी हमारे बीच वाल्मीकि समाज के कुछ लोग हैं जो एक अपना बहुत अच्छा प्रोग्राम उनका है, वाल्मीकि के मंदिर की स्थापना भी कर रहे हैं। एक मंदिर हमारा पहले भी बना है और ये दूसरा मंदिर है। वे मेरे पास आए तो मैं उनके मंदिर में सहयोग के लिए अभी 11,000 नगद पुरस्कार, मतलब पुरस्कार तो नहीं, सहयोग कर रहा हूँ सॉरी। और मेरे पास आए वे लोग और अपने सहयोग की राशि मुझसे अभी लेके जाए। आए भाई आओ, मैं उनको 11,000 रुपए देकर सहयोग करता हूँ और आशा करता हूँ आगे भी ये ऐसे अच्छे कार्य करते रहे और हमें भी
उस सहयोग में सम्मिलित करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और नगरवासियों से भी कहता हूँ, अगर आपसे किसी से भी इनका सहयोग हो तो करते रहना, धन्यवाद। तो सभी नगरवासी, मेरे भाई, मेरे बंधु, मित्र, बड़े बुजुर्ग, सभी से मैं ये कहता हूँ कि हमारे हाथ मजबूत करने का काम करें और हौसला अफजाई करें। और मैं अभी जो हमारे अतिथिगण आए हैं उनसे भी कहूँगा वे अपने विचार रखें, धन्यवाद। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये सब कुदरत के नज़ारे हैं। और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे है। ये ना पूछो कि यहाँ हिंदू कौन है या मुसलमान कौन है, ये पूछो कि यहाँ इंसान कौन है। और यूं ही मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में न उलझो यारो, घर घर जाके पता लगाओ कि परेशान कौन है। एक अजीब सा मंजर नजर आता है, एक अजीब सा मंजर नजर आता है, हर एक आंसू समंदर नजर आता है। कहाँ छुपा के रखूं मैं शीशे का दिल अपना, हर एक हाथ में पत्थर नजर आता है।